हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा आपने जो वीडियो के टाइटल में देखा है, गोल्ड फॉर्म कर रहा है एक कप एंड हैंडल पैटर्न, तो यही हम जानेंगे और जानेंगे क्या है एक्सपेक्टेड टारगेट गोल्ड का और क्यों हमें नहीं लेने चाहिए शॉर्ट पोजीशंस गोल्ड में ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको पूरी न्यूज और अपडेट्स। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं गोल्ड की चार्ट में कहाँ पे दिख रहा है और कौन से टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोल्ड करीब करीब, अगर हम ये छोड़ रैली छोड़ के अगर यहाँ से ले लें, जहाँ पे एक स्टीप रैली आई है, ये है अराउंड 27 जनवरी 2022, जहाँ पे जो वॉर की न्यूज़ ऑलरेडी हवा में थी कि यू नो रशिया पॉसिबली अटैक कर सकता है यूक्रेन पे, ये जहाँ के समवेयर इन द मिड यहाँ पे उसको एक्चुअल एक्शन में उन्होंने लिया, लेकिन ये हवा पहले से ही चल रही थी। और जब भी कोई मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, जब कोई डाउट्स रहता है मार्केट में, तो टिपिकली क्या होता है कि जो स्टॉक्स और क्रिप्टो वगैरह है ये डंप करते हैं, और कन्वर्सली जो उसका बिल्कुल उल्टा गोल्ड करता है। तो क्या होता है कि लोग जो है अपने जो रिस्की ऑप्शंस छोड़ करके सेफर एवेन्यूज चूज करते हैं, तो जब लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स से निकाल के गोल्ड में, फिजिकल गोल्ड में वगैरह करते हैं, करस्पॉन्डिंगली गोल्ड का प्राइसेस भी शूट करने लगता है। और ये वॉर के टाइम में हम देख रहे हैं कि जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्रिप्टो गिर रहे हैं, और यहाँ पे गोल्ड ऊपर की तरफ पंप कर रहा है और नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे डे के टाइम फ्रेम में, फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो अराउंड 28 जैन से गोल्ड ने ऊपर चढ़ना शुरू किया है। ये है 20 ए में, ये है 50 ए में, यहाँ पे देख सकते हैं 2150 और 200 ए में। तो ये बहुत ही स्प्रेड अपार्ट है एक दूसरे से, बहुत दूर। और जो कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन भी है, वो भी जो 21 ए में से देखें तो भी बहुत दूर दूर जाके फॉर्म हो रही है। यानी ये क्लियर कट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स है। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्टोकेस्टिक जो डे की टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा यहाँ पे, क्योंकि डे फ्रेम में हमने यहाँ पे देखा एक दोजी फॉर्मेशन है यहाँ की अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। लेकिन अगर मैक्डी देखेंगे तो पॉजिटिव चल रही है अभी भी। तो और कंसिडरिंग बाकी पूरे सिग्नल्स, मार्केट और ऊपर की तरफ जाने के जो इशारा है। फिर हम देखते हैं अगला टाइम फ्रेम, वीक का टाइम फ्रेम। वीक के टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो कुछ क्लैरिटी नहीं है हमको यहाँ पे। वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक बुलिश है और प्रोबेबली ओवर सोल्ड जोन में है, लेकिन मैकडी स्टिल जो है पॉजिटिव है। तो मैकडी हमेशा आपके स्टोकेस्टिक को ओवरशैडो करेगी, क्योंकि उस जैसे अगर हम यहाँ देखें, एक नेगेटिव मैकडी का जोन है, यहाँ से गिरावट थी, उसके बीच में स्टोकेस्टिक अप डाउन, तो शॉर्ट टर्म में आपको स्टोकेस्टिक जल्दी दिखाएगा इंडिकेटर, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैकडी हमेशा स्टोकेस्टिक पे स्टोकेस्टिक आरएसआई पे हावी होती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो कैंडल फॉर्मेशन है, तीनों ईएमएस के ऊपर चल रहा है, गैप अप है, तो वीक में भी ये बहुत स्ट्रांग और बुलिश है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस हम अगर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है कैंडल फॉर्मेशन जो है तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। हालांकि यहाँ पे जो 21 EMA के करीब है कैंडल्स, लेकिन अगर आप इंडिकेटर देखें तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे जो है स्टोकेस्टिक आरएसआई पॉजिटिव है, यानी कि मंथली टाइम फ्रेम भी ऊपर का इशारा जाने का संकेत। मैकडी अगर आप देखें तो बहुत देर नेगेटिव, हालांकि यहाँ पे जो
शॉर्ट टर्म में रैली चल रही थी, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम में जो है मैकडी नेगेटिव चल रही थी, और अभी ये क्रॉसओवर होने वाला है पॉजिटिव, यानी ये अगर पॉजिटिव रहेगा मैकडी मंथली टाइम फ्रेम पे, यानी कुछ देर तक ये जो है पॉजिटिव चलने वाला है, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव चल रहा है, आपकी कैंडल्स पॉजिटिव, हर एक चीज आपको दिखा रही है कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर की तरफ चलेगी। और अगर हम कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन की बात करें, तो जो लोग ऑलरेडी ये सब जानते हैं वो एक झलक देख के यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है मंथली टाइम फ्रेम में हमको एक क्लियर कट कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। इनफैक्ट जो करंट प्राइस रेंज है वो एग्जैक्टली कप की जो रेंज है वो मार्क कर रही है। तो चलिए, जिन लोगों को कप एंड हैंडल से फॉर्मेशन आइडेंटिफाई नहीं करने आता, उनके लिए मैं आइडेंटिफाई भी कर लूंगा, और जो एक्सपेक्टेड या जो टारगेट प्रोबेबल ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की वजह से है वो भी हम देख लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, और मैं ब्रश ले लूंगा, और ब्रश थोड़ा सा ओके। तो ये है यहाँ से स्टार्ट, तो हम कप ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया कप, और फिर हम आएंगे नीचे हैंडल की तरफ। तो ये हो गया हमारा हैंडल, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा इसका और रैली होगी, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। तो टारगेट के लिए हम ये प्राइस रेंज देखते हैं, ये बॉटम हो गया आपका डेप्थ जो कप का, यहाँ से लेके जो प्राइस रेंज है, यहां से लेके सॉरी यहां से लेके शायद कुछ दिक्कत आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, तो प्राइस जो है यहां से लेके ये जो हैंडल है इतना तक हम देखेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं टारगेट फ्रॉम डेप्थ से यहाँ चलेंगे तो 900, यानी कि गोल्ड अभी हम राउंड फिगर कर लें 2000 को, तो द नेक्स्ट टारगेट इज, अगर मंथली ये कप एंड हैंडल का हम देखें तो नेक्स्ट टारगेट इज 2900 ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो ये आज या कल में नहीं होने वाला है, डेफिनेटली अगले महीने में ऐसा हिट नहीं होगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म में टारगेट गोल्ड का है वो 2900 के करीब जा सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शंस डेफिनेटली आएंगी, तो दिस इज द टारगेट गोल्ड का, ये शायद 2022 में अचीव कर ले, डिफिकल्ट है क्योंकि अगर आप हम देखें यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम्स, तो 19 जो है यहाँ पे 1366 से लेके अभी हम 22, 3 साल लगे उसको, तो शायद एक नॉट 2022 या प्रोबेबली 2023 में भी हिट हो सकता है इसको टारगेट को, क्योंकि ये मंथ मंथ टाइम फ्रेम से बेसिकली। तो आप देख सकते हैं सबसे यहाँ पे बड़ा कैंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे अराउंड 1700 से लेके अराउंड 2300, तो एक कैंडल इंडिविजुअल मंथ का यहाँ पे है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, हो सकता है एंड 2022 में देखे या फिर 2023 के अर्ली 2023 में, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशंस, बाकी सब चीजें जैसे कि अनएक्सपेक्टेडनेस, कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बाकी की मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये है गोल्ड का जो टारगेट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये एडवांस नोटिफिकेशन गोल्ड के बारे में, स्पेशली जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। तो आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा क्या है आपके व्यूज़, क्या आपको लगता है ये टारगेट
कब तक अचीव हो सकते हैं आपके हिसाब के, आपकी शायद FA, TA या डेटा एनालिसिस के हिसाब से? और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।